हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का दानेदार हलवा, वो भी बिना चीनी के। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी और उतनी ही मात्रा में घी। घी और सूजी का रेशो बराबर होना चाहिए। और जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है जो हम बिना चीनी का हलवा बना रहे हैं, वो है ये। इस तरह के डिब्बे आपको फेस्टिवल्स में बहुत मिलते हैं रसगुल्ले के। तो इसकी चाशनी यूजुअली आप गुलाब जामुन या फिर आप बालूशाही बना सकते हैं या कुछ और भी बना सकते हैं, बट हलवे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। हलवे में पानी सूजी का 3 गुना पड़ता है। तो जिस कटोरी से हमने सूजी मेजर की रही थी, उसी कप से हम 1.5 कटोरी चाशनी मेजर करेंगे और उतना ही हम पानी डालेंगे। तो टोटल 3 कप डाइल्यूटेड चाशनी हो गई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाशनी और पानी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पैन को गरम करेंगे। एक बार गरम हो जाए तो फिर उसमें घी डालिए और आंच को हल्की कर दीजिए। इसके बाद घी में सूजी को भुनेंगे हम, और तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और एक इसमें अच्छी सी अरोमा आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। कैमरा थोड़ा बीच में ब्लर हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे। फ्रेंड्स, अलग अलग ब्रांड्स की चाशनी के डिब्बों की चाशनी की थिकनेस अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी और चाशनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और बहुत अच्छी इसमें अरोमा भी आने लगी है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। कई बार ड्राई फ्रूट्स को लोग शुरू में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम सूजी के साथ ही इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हुए हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो एंड में इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे तो ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन है वो भी नहीं रहता और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का। तो 1 मिनट तक इनको हम भुनेंगे और ये देखिए किशमिश फूल गई है, इसकी पहचान है, किशमिश फूल गई है। अब हम इसमें डाइल्यूटेड चाशनी डालेंगे, थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे या फिर इलायची के बीज निकाल के उसको हल्के से थोड़ा सा कूट लेंगे। इसका पानी सूखने तक सूजी पानी अब्सॉर्ब कर लेगी। थोड़ा पानी सूखाने तक हम इसको ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, बिल्कुल हलवा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही माउथ मेल्टिंग दानेदार हलवा बना है। इस ट्रिक से बहुत ही दानेदार हलवा बनता है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।